हरिओम। देखो कुंडली में कुंडली वृश्चिक लग्न की कुंडली है और नवांश है मकर। आपको लिखना हो तो पेज पे लिख लो। वृश्चिक लग्न 20 डिग्री का लग्न है। हम नीचे के वो कायदे में जाते हैं। आपको नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ू, आगे बोलू मैं। जी हाँ देखिए, डॉक्टर बनने के लिए लग्न का संबंध 2, 6, 10, 11 और 12 से होना बहुत जरूरी है। बराबर। ठीक है। जी या हाँ अच्छा, उपरोक्त कुंडली में लग्नेश कौन है? हमने जो कल कल जो नियम किए थे ना, उस दिन आपने सुना होगा लेक्चर में कि डॉक्टर बनने के लिए इतने भावों का कनेक्टेड होना जरूरी है। तो अब आप देखो कि आपका बिल्कुल लग्नेश क्या इतने भावों से कनेक्टेड है। लग्नेश कौन है? मंगल। मंगल दूसरे भाव से मंगल कनेक्टेड है। मंगल कहाँ बैठा हुआ है? 10वें में है। आपको बोलना पड़ेगा थोड़ा हाँ बहुत। मंगल कहाँ है? यस 10वें में। उसके साथ है गुरु और शनि। अब ये देखो कि आपका दूसरे भाव का मालिक मंगल के साथ युति में है। हेलो, क्या हेलो कह रहे मैडम, हैं? कुंडली कुंडली फिर से शेयर कीजिए ना जरा। मैंने किया तो है, अभी स्क्रीन पे स्क्रीन वही ऑन तो कर लीजिए। है। नहीं, स्क्रीन पे ही स्क्रीन है गया। कुंडली। आप स्क्रीन पे देखो, कुंडली लगी हुई है। वृश्चिक लग्न है। दिख रही है? हाँ देखा है। जवाब नहीं आया तो नेटले यस दिखा। यस यस मैडम। हाँ हाँ बस। तो देखो अभी देखो कि लग्नेश कहाँ बैठा है। मुझे जवाब चाहिए सब चीज का। मंगल मंगल कहाँ फर्स्ट बैठा है? हाउस। कौन से भाव में बैठा है? छठे भाव मांस है ना एक तो। हाँ मंगल 10वें में बैठा है। राशि नहीं पूछ रही हूं मैं, कहाँ दस बैठा है मंगल? दसवें 10वें में बैठा है। तो देखो दूसरे और 10वें का संबंध हो गया। या आप पढ़ो। 2, 6, 10, 11, 12 से लग्न का संबंध होना जरूरी है। ये एक ही सेंटेंस पर फोकस करेंगे आज। नौ सिक्स ठीक है। हाँ या जी ना मैडम। भाई, आप लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो, जैसे मैंने कुछ नया ही बता दिया आपको। तो जी जी मैडम, जवाब क्यों नहीं आ रहा है प्रमोद जी? मैं बोला जी मैडम। हाँ तो देखो अभी लग्नेश का संबंध दूसरे भाव से 10वें भाव से हो गया पहले। हाँ यस अब देखो वो दूसरे के मालिक के साथ बैठा हुआ है युति लेकर। हाँ मंगल गुरु की युति हुई तो दूसरा भी संबंध में आ गया। तो यस लग्नेश और सेकंड हाउस का संबंध ऐसे हुआ। उसके बाद छठे से संबंध देखो। छठे का मालिक लग्नेश मंगल खुद है। हाँ तो मंगल का छठे से भी संबंध हो गया। हो हाँ गया। अब आओ 6 के बाद 10वें से संबंध। तो मंगल खुद 10वें में जाकर बैठ गया। तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10। 10वें भाव में जाकर बैठा है ना? यस। अब आओ 11 से संबंध। 11 का मालिक कौन है?
ग्यारह का मालिक कौन है? है ना। आप लोगों को भी मालिक नहीं पता प्रमोद जी, कल्पेश नहीं मैडम, जी? यार यह पुणे से निकल गया है। क्या नहीं, निकल, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, बाकी कुछ नहीं है। क्या निकल गया? हेलो, बुध हेलो, हाँ जी मैडम, आवे ने, बुध आउस है हाँ ना। बुध हाउस है। ग्यारह का मालिक कौन? बुध बुध बुध। और बुध और मंगल की युति है? अरे प्रतियुति है, देखो क्या है, मंगल बुध को देख रहा है कि नहीं देख रहा है? देख रहा है मैडम, मंगल सामने से, है ना। मंगल से सातवें में बुध बैठा है, तो अपने से सातवें भाव में बैठा तो उसको प्रतियुति बोला जाता है। मालूम है, नहीं मालूम है? यस यस यस, हाँ बस, तो मंगल ग्यारहवें के मालिक से प्रतियुति कर रहा है और बारहवां से भी संबंध। देखो बारहवें का मालिक कौन? शुक्र। शनि। शुक्र। शुक्र, वो बारहवें के मालिक से उसका संबंध नहीं हो रहा है। हो रहा है? बारवानू बारहवें का मालिक लग्न को देख रहा है, देख रहा है कि नहीं देख रहा है? हाँ, बारहवां का मालिक लग्न को देख रहा है, तो लग्नेश का संबंध तो हुआ ना लग्न से, तो यस मैडम, हाँ। अभी ये पहले ये पॉइंट क्लियर हुआ कि लग्नेश का 2, 6, 10, 11 और 12 पांचों से संबंध हो रहा है। यस क्लियर हो गया प्रमोद जी? क्लियर हुआ? हिना जी, तने ना मने प्रतियुति सु हुए सात प्रतियुति माने घर में छोई एक से एक प्रतियुति। ग्रह, ग्रह अपने से सातवें में जो भी ग्रह बैठे हैं उससे प्रतियुति करता है। युति का मतलब वो साथ में बैठा है और अच्छा प्रतियुति मतलब वो आमने सामने बैठा है। ओके 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 हाँ ठीक है, क्लियर हुआ? वो प्रतियुति भी बहुत क्लोज संबंध हो जाता है। तो अब ये डॉक्टर बनेगा क्लियर। या नहीं बनेगा? बीचो 10 बनेगा? नहीं हाँ के ना, यार, दो में ब्रेन से एक ही सीधा नहीं जा जवाब रहा है। है, तीसरा जवाब नहीं है। हाँ मैडम स्क्रीन फुल स्क्रीन नहीं हो रहा, स्क्रीन है ना वो स्क्रीन टेढ़ा है, मतलब लोकलाइजेशन हाँ अभी। उल्टा सीधा नहीं हो रहा है स्क्रीन, बहुत देर से ट्राई कर अच्छा रहे हैं तो अच्छा नहीं होगा कुंडली तो पढ़ने को ही नहीं ऐसा आ करो, रहा। आप पेज पे लिख रहे हो, चलो मैं कुंडली लिखवा देती हूँ, हाँ और क्या क्योंकि करूँ इसमें ना बताओ। स्क्रीन पे बार बार जा रहा है, मैं वो कोशिश कर रहा हूँ बनाने की लेकिन मेरा नहीं बन रहा है। अभी तो स्क्रीन पे है ही ना कुंडली। है लेकिन मैडम पूरा नहीं आ रहा है, उल्टा है। हाँ इसको शायद ईशो, ईशो आवो, स्क्रीन ने फेरव ने जरा उल्टी उल्टी फेरव, ये लोगों ने आड़ी देखा इसको, आड़ी से मेरा उभी करना काम फेरी एम नहीं थतु। आमा कोई बीजू छे के नहीं, क्रॉप वॉप कहीं? મને નથી સમજ પડતી, જાય જલ્દી, કઈ ના સમજ પડે, ઊભી તો થઈ, એક મિનિટ તો શું કરે?
हेलो। हाँ यस मैडम, एक मिनट, में अभी दूसरा आपको भेज रही हूँ। देखो अभी अभी दिख रहा है। हाँ यस मैडम, दिखाई से, एकदम हाँ परफेक्ट दिखाई से, परफेक्ट परफेक्ट, दिखाई अभी दिख रहा है ना। अच्छा यस यस, ठीक है, चलो अभी अभी इसमें देखिए। अभी अभी आप वही चीज हम फिर से देखेंगे। आपको भाव पता है, लग्नेश का संबंध दूसरे से, छठे से, दसवें से, ग्यारहवें से, बारहवें से होना बहुत जरूरी है। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसका लग्न का संबंध 2, 6, 10, 11, 12, ये 5 से होना बहुत जरूरी है। अभी आप ये देखो कि क्या ये इंसान डॉक्टर बन सकता है। अब उसकी कुंडली चेक करो, आप देखो उसका लग्नेश कौन है। लग्नेश का ही संबंध देखना है आपको। लग्नेश बुध कौन है? बुध है ना, लग्नेश मंगल से, मंगल, मंगल, वृश्चिक लग्न है। लग्नेश मंगल, उसका संबंध दूसरे भाव से है। कैसे हो रहा है देखो। दूसरे का मालिक कौन है? शुक्र। ये अगर आपको नहीं आया ना, समझ लेना मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में डॉक्टर है कि नहीं, जातक कैसे बन सकता है, वो नहीं आया तो फिर कुछ समझ भी नहीं आएगा। सेकेंड हाउस का मालिक कौन है? कौन सी राशि है? वृषभ, दूसरे भाव में कौन सी राशि है? दूसरे भाव में, हाँ अरे धनु राशि से, मंगल तो बची धनु राशि ना, मालिक कौन? गुरु धनु राशि, हाँ गुरु गुरु है। कल्पेश, कल्पेश जी आप और हाँ प्रमोद गुरु, जी क्यों चुप हो? वो नहीं, बराबर है ना, गुरु बोल रही है ना, गुरु है। बोल रही है, आप कब बोलोगे? मुझे पता तो चले आपको मालिक याद है कि नहीं है। अभी आप देखो मंगल और गुरु का संबंध, या तो मंगल दूसरे भाव को देखेगा, नहीं तो दूसरे भाव के मालिक से संबंध करेगा। क्या संबंध हो रहा है बताओ। देख रहा है उसको ना, संबंध है। देख नहीं रहा है? क्या संबंध है मैं पूछ रही हूं। शुक्र लग्नेश है मंगल, दूसरे का मालिक है गुरु, दोनों में क्या संबंध बन रहा है? गुरु, प्रमोद जी प्रमोद जी, है कि चले गए? जी मैडम, हाँ तो नहीं बोलो नहीं हूँ मैडम, बोलो फिर। मंगल गुरु का कुंडली में क्या संबंध है? मित्र है ना अरे मंगल और गुरु, कुंडली में कहाँ है दोनों? मित्र शत्रु तो भूल जाओ, काइंड ऑफ फाइनल रिलेशन तो। कुंडली में दोनों कहाँ है? मंगल गुरु इतना बताओ सिर्फ, बस मंगल कहाँ है? फर्स्ट लग्नेश मानेरू, अरे सेकंड लग्नेश हाउस, मंगल है, पर मंगल बैठा किधर है कुंडली में? आप ग्रह देख रहे हो ना, दसवें भाव में, दसवें भाव में। दसवें में बैठा है, तो गुरु भी कहाँ है? मंगल दसवें में बैठा है, गुरु कहाँ बैठा है?
बहुत मुश्किल हो रही है मेरे को आज, पता नहीं क्या हुआ है। आज थोड़ा कंफ्यूजन है मैडम कुछ। कैसे कंफ्यूजन, गुरु कहाँ बैठा है? ये तो कितना मैं इजी क्वेश्चन पूछ रही हूँ, पता है आपको? ये फर्स्ट स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, गुरु कहाँ बैठा है? अरे एक तो सेकंड हाउस में से अने यार तू नहीं बोल, तू ये लोगों ने एक बोलवा सेकंड दे ही ना, तू नहीं बोल। फर्स्ट गुरु कहाँ बैठा है, आप दोनों बताओ मुझे। कुंडली में गुरु कहाँ बैठा है? मुझे लग रहा है जैसे मैंने आपको डरा दिया है। पांचवें भाव में मैडम गुरु कहाँ बैठा है? गुरु इसमें ही लिखा हुआ है, गुरु को, गुरु कौन से नंबर से आप देखोगे इसमें? गुरु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जुपिटर कहते हैं, बराबर। हाँ हाँ तो इसमें जुपिटर कहाँ लिखा हुआ है? दसवें में ही है। तो इतना देखकर बोलने में इतना समय क्यों लग गया अभी? मैं हम लोग मराठ मैं हिंदी में सोच रहा हूँ, इसमें इंग्लिश में लिखा है अरे तो कभी तो मैं इंग्लिश अपना कुंडली हिसाब हाथ से में देख रहा आएगी हूँ। तो आप ये बोलोगे कि मैं मराठी हूं? नहीं नहीं सॉरी हाँ, इंग्लिश में भी कभी कुंडली कोई भी लेकर आ सकता है ना आपके सामने। हाँ, यस आप ये नहीं कह सकते मैं मराठी हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आता है। मंगल गुरु का संबंध, दोनों का एक ही भाव में बैठना, दोनों को क्या बोलोगे? युति बोलोगे, प्रतियुति बोलोगे या दृष्टि बोलोगे, क्या बोलोगे युति आप? हाँ, युति युति है युति। युति बस इतना सिंपल बोलना था कि मंगल और गुरु से युति कर रहा है दसवें भाव में, इतना एक नॉर्मल सेंटेंस आपको बताना था। तो ऐसे मंगल का लग्नेश का दूसरे भाव से संबंध हो गया। अब दूसरे के बाद तीसरे कौन सा भाव आएगा? छठे भाव। छठे का मालिक कौन? छठे में कौन सी राशि है? फटाफट बोलो प्लीज। बोलू ना बने ये बेनेज बोलवा दे, बोलो छठे में कौन सी राशि है? हाँ, अभी तो आपको स्क्रीन शेयर देख रहा है, बराबर। हाँ तो कौन सा है, कौन सा नंबर की राशि है छठे में? छठे में कुछ नहीं मेष मारा। राशि, मेष राशि हाँ, मेष राशि का मालिक कौन? मंगल। मंगल, बराबर। अब मंगल खुद ही दसवें में आ गया, लग्नेश हो गया। छठे का मालिक खुद ही लग्नेश है, तो जी मंगल और लग्नेश, छठे भाव और लग्नेश का संबंध एक ही हो गया। बराबर जी है। हाँ, अभी ठीक है। अभी आप देखो, 2 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद 10 नंबर। 10 नंबर में लग्नेश जाकर क्या कर रहा है? 10 नंबर और लग्नेश का क्या संबंध है? दसवें भाव मंगल है से, ना मैडम, मंगल दसवें भाव में ही जाके मंगल बैठ गया है, बराबर। बैठ गया है। हाँ, हाँ तो लग्नेश का संबंध हो गया ना, लग्नेश, लग्नेश ही तो मंगल मंगल है, से, मंगल से बराबर हो गया ना? ही हो गया कि नहीं? हो गया मैडम जी बराबर है। हाँ, हो गया। अब 11वें का मालिक देखो, 11वें का मालिक कौन? कुंभ का मालिक शनि। ऐसे में नहीं पूछ रही हो, इसमें 11वां भाव। आपके सामने जो कुंडली है उसमें 11वां का मालिक कौन? केतु है। हाँ 11वां भाव साहब, अच्छा 11वां भाव में कन्या कन्या राशि, मालिक कौन? बुध। बुध। अच्छा, बुध और मंगल का क्या संबंध हो रहा है? मंगल और बुध
का नहीं समझा मैडम, क्या संबंध है? देखो कुंडली में कहाँ बैठे हैं दोनों, मैडम आप समझाइए जरा। दोनों कहाँ कहाँ बैठे हैं, मंगल और बुध कहाँ कहाँ बैठे हैं मेरे को ये बताओ। चलो सब आपको ही बताना है, मैं कुछ नहीं हाँ, बताऊंगी। 10वें और 11वें भाव में मंगल इधर बैठा है 10वें में, और बुध बुध बैठा है 11वें में। बुध 11वें में बैठा है, मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा, 11वें का मालिक है नहीं नहीं वो। नहीं नहीं वो तो स्वामी है, मालिक है, हाँ मालिक है तो स्वामी, बैठा कहाँ है, 10वें में ही है ना। 10वें में कहाँ बुध है, बुध बुध को मर्क्यूरी बोलते हैं, एमी। अच्छा वो 11वें वो पे है हाँ चौथे आपको यही नहीं पता, ये नहीं भाव में चलेगा बैठा। डॉक्टर जी, ये नहीं चलेगा। चौथे में बैठा है, चौथे में चौथे भाव में, चौथे भाव देखो में एमी 29 डिग्री का यस। मिला भी। अभी चौथे और 10वें में क्या हुआ, उसको क्या बोलोगे, मंगल से सामने बराबर 7वें भाव में बुध, आप क्या बोलोगे, तो देख रहा है ना, उसकी दृष्टि है। दृष्टि है और प्रतियुति, उसको खास प्रतियुति बोला जाता है। ठीक है, और 12वां का मालिक कौन, 12वां का मालिक मीन था गुरु। वापस गलती मत करो, 12वां भाव में पूछ रही हो, 12वीं राशि अच्छा नहीं पूछ भाव रही भाव हो। भाव, हाँ तुला, तुला शुक्र। राशि, तुला है 12वें भाव का, भाव में तुला राशि है, तो उसका मालिक कौन, शुक्र शुक्र। शुक्र कहाँ बैठा है, पांचों भाव में, शुक्र को ये SU का मतलब सूर्य होता है, शुक्र को इंग्लिश में वीनस बोला जाता है, कहाँ इसमें वीनस। हेलो, हाँ हाँ यस मैडम। देखो अभी अभी दिख रहा है, यस मैडम, हाँ परफेक्ट अभी दिखाई छे, परफेक्ट दिखाई छे, दिख रहा है ना। अच्छा यस यस। ठीक है, चलो अभी अभी इसमें देखिए, अभी अभी आप वही चीज हम फिर से देखेंगे। आपको भाव पता है, लग्नेश का संबंध दूसरे से, छठे से, 10वें से, 11वें से, 12वें से होना बहुत जरूरी है। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसका लग्न का संबंध 2, 6, 10, 11, 12, ये 5 से होना बहुत जरूरी है। अभी आप ये देखो कि क्या ये इंसान डॉक्टर बन सकता है। अब उसकी कुंडली चेक करो, आप देखो उसका लग्नेश कौन है, लग्नेश का ही संबंध देखना है आपको, बुध लग्नेश है, कौन है, बुध है ना, लग्नेश मंगल से, मंगल, मंगल, वृश्चिक लग्न है, लग्नेश मंगल, उसका संबंध दूसरे भाव से है, कैसे हो रहा है देखो। दूसरे का मालिक कौन है, शुक्र। ये अगर आपको नहीं आया ना समझ लेना, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में डॉक्टर है कि नहीं, जातक कैसे बन सकता है, वो नहीं आया तो फिर कुछ समझ भी नहीं आएगा। सेकेंड हाउस का मालिक कौन है, कौन सी राशि है, वृषभ, दूसरे भाव में कौन सी राशि है, दूसरे भाव में। हाँ अरे धनु राशि से, तो बची धनु राशि ना, मालिक कौन, गुरु धनुराशि, हाँ गुरु, कल्पित, गुरु है। हाँ कल्पित जी आप और ब्रह्मोत गुरु, जी क्यों चुप हो, नहीं नहीं बराबर है ना, गुरु वो बोल रही है ना, गुरु है। वो बोल रही है, आप कब बोलोगे, मुझे पता तो चले आपको मालिक याद है कि नहीं है। अभी आप देखो मंगल और गुरु का संबंध, या तो मंगल दूसरे भाव को देखेगा नहीं तो दूसरे भाव के मालिक से संबंध करेगा, क्या संबंध हो रहा है बताओ।
देख रहा है उसको ना, संबंध है। देख नहीं रहा है क्या? संबंध है, मैं पूछ रही हूँ। करूँ लग्ने से मंगल, दूसरे का मालिक है गुरु, दोनों में क्या संबंध बन रहा है? मंगल गुरु। प्रमोद जी, प्रमोद जी है कि चले गए? तो फिर मंगल गुरु का कुंडली में क्या संबंध है? मित्र है ना मंगल अरे और गुरु। कुंडली में कहाँ है दोनों? मित्र शत्रु तो भूल जाओ, कहाँ है रिलेशन तो? कुंडली में दोनों कहाँ है? मंगल गुरु इतना बताओ सिर्फ, बस। मंगल कहाँ है? फर्स्ट लग्नेश मान है, अरे सेकंड लग्नेश हाउस मंगल है, पर मंगल बैठा किधर है कुंडली में? आप ग्रह देख रहे हो ना, दसवें भाव में, दसवें भाव दसवें में। में बैठा है, तो गुरु भी कहाँ है? तो मंगल दसवें में बैठा है, गुरु कहाँ बैठा है? बहुत मुश्किल हो रही है मेरे को आज, पता नहीं क्या हुआ है। आज थोड़ा कंफ्यूजन है मैडम कुछ। कैसे कंफ्यूजन? गुरु कहाँ बैठा है? ये तो कितना मैं इजी क्वेश्चन पूछ रही हूँ, पता है आपको? ये फर्स्ट स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, गुरु कहाँ बैठा है? अरे सेकेंड हाउस में से यार अनेक तू नहीं बोल, तू ये लोगों ने सेकेंड बोलवा फर्स्ट दे ही ना, तू नहीं बोल। से गुरु कहाँ बैठा है? आप दोनों बताओ मुझे। कुंडली में गुरु कहाँ बैठा है? मुझे लग रहा है जैसे मैंने आपको डरा दिया है। पांचवें भाव में मैडम गुरु कहाँ बैठा है? गुरु इसमें ही लिखा हुआ है, गुरु को, गुरु कौन से नंबर से आप देखोगे इसमें? गुरु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जुपिटर कहते हैं, बराबर। हाँ हाँ तो इसमें जुपिटर कहाँ लिखा हुआ है? दसवें में ही है। तो इतना देखकर बोलने में इतना समय क्यों लग गया अभी? मैं हम लोग मराठ मैं हिंदी में सोच रहा हूँ, इसमें इंग्लिश में लिखा अरे है यार, तो कभी तो मैं इंग्लिश अपना कुंडली हिसाब हाथ से में देख रहा आएगी हूँ। तो आप ये बोलोगे कि मैं मराठी हूं? नहीं नहीं सॉरी हाँ, इंग्लिश में भी कभी कुंडली कोई भी लेकर आ सकता है ना आपके सामने। हाँ, यस आप ये नहीं कह सकते मैं मराठी हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आता है। मंगल गुरु का संबंध, दोनों का एक ही भाव में बैठना, दोनों को क्या बोलोगे? युति बोलोगे, प्रतियुति बोलोगे या दृष्टि बोलोगे? क्या बोलोगे युति अब? हाँ युति युति युति, है बस इतना सिंपल बोलना था कि मंगल और गुरु से युति कर रहा है दसवें भाव में, इतना एक नॉर्मल सेंटेंस आपको बताना था। तो ऐसे मंगल का लग्नेश का दूसरे भाव से संबंध हो गया। अब दूसरे के बाद तीसरे कौन सा भाव आएगा? छठे भाव। छठे का मालिक कौन? छठे में कौन सी राशि है? फटाफट बोलो प्लीज। बोलू। ना बने ये बेनेज बोलवा दे, बोलो छठे में कौन सी राशि है? हाँ अभी तो आपको स्क्रीन शेयर देख रहा है, बराबर। हाँ तो कौन सा है, कौन सा नंबर की राशि है छठे में? छठे में कुछ नहीं मेष हमारा। राशि, मेष राशि हाँ, मेष राशि का मालिक कौन? हाँ मंगल। मंगल, बराबर। अब मंगल
खुद ही दसवें में आ गया, लग्नेश हो गया, छठे का मालिक खुद ही लग्नेश है जी, तो मंगल और लग्नेश, छठे भाव और लग्नेश का संबंध एक ही हो गया, बराबर है। हाँ अभी ठीक है, अभी आप देखो दो हो गया, छह हो गया, उसके बाद दस नंबर, दस नंबर में लग्नेश जाकर क्या कर रहा है? दस नंबर और लग्नेश का क्या संबंध है? दसवें भाव मंगल है ना, दसवें भाव में ही जाके मंगल बैठ गया है, बराबर मंगल बैठ गया है। हाँ, हाँ तो लग्नेश का संबंध हो गया ना, लग्नेश लग्नेश ही तो मंगल है, मंगल से मंगल हो गया ना, हो गया कि नहीं? हो गया मैडम, बराबर। हाँ हो गया। अब ग्यारहवें का मालिक देखो, ग्यारहवें का मालिक कौन? कुंभ का मालिक शनि। ऐसे में नहीं पूछ रही हूँ, इसमें ग्यारहवा भाव आपके सामने जो कुंडली है उसमें ग्यारहवा का मालिक कौन? केतु है। ग्यारहवा भाव साहब। अच्छा, ग्यारहवा भाव में कन्या, कन्या राशि मालिक कौन? बुध। बुध, अच्छा बुध और मंगल का क्या संबंध हो रहा है? मंगल और बुध का नहीं समझा मैडम, क्या संबंध है? देखो कुंडली में कहाँ बैठे हैं दोनों, मैडम आप समझाइए जरा, दोनों कहाँ कहाँ बैठे, मंगल और बुध कहाँ कहाँ बैठे, मेरे को ये बताओ। चलो सब आपको ही बताना है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। दसवें और ग्यारहवें भाव में मंगल इधर बैठा है दसवें में, और बुध बैठा है ग्यारहवें में। बुध ग्यारहवें में बैठा है, मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा, ग्यारहवें का मालिक है। नहीं, 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 वो तो स्वामी है, मालिक है। हाँ तो बैठा कहाँ है? दसवें में है ना। दसवें में कहाँ बुध है? बुध, बुध को मर्क्यूरी बोलते है, एमी। अच्छा, हाँ आपको यही नहीं पता, ये नहीं चलेगा डॉक्टर जी, ये नहीं चलेगा। चौथे में बैठा है, चौथे में, चौथे भाव देखो एमी 29 डिग्री का, ये मिला भी अभी चौथे और दसवें में क्या हुआ, उसको क्या बोलोगे? मंगल से सामने बराबर सातवें भाव में बुध, आप क्या बोलोगे? तो देख रहा है ना, उसकी दृष्टि है, दृष्टि है और प्रतियुति, उसको खास प्रतियुति बोला जाता है। ठीक है जी। और बारवा का मालिक कौन? बारवा का मालिक मीन का गुरु। वापस गलती मत करो, बारवा भाव में पूछ रही हो, बारहवीं राशि। अच्छा, भाव, पूछ भाव, भाव, रही भाव। तुला, तुला राशि, तुला है, बारहवें भाव का भाव में तुला राशि, तो उसका मालिक कौन? शुक्र। शुक्र, शुक्र कहाँ बैठा है? ओ पांचवें भाव में। शुक्र को, ये एसयू का मतलब सूर्य होता है, शुक्र को इंग्लिश में वीनस बोला जाता है, कहाँ इसमें वीनस बोलो? एमओ का मतलब मून होता है इंग्लिश में, एमओ जी, MOON मून के पहले दो वर्ड है। उसके बाद आओ चौथे हाउस में देखो, KE का मतलब है केतु, KETU, कोई भी जो स्पेलिंग है ना उसके पहले दो वर्ड आएंगे बस। उसके बाद ME मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का जो स्पेलिंग शुरू होता है उसमें से पहले दो वर्ड है ME। मर्क्यूरी किसको बोलते हैं? बुध, बुध को, बुध को मर्क्यूरी बोला जाता है। हाँ,
उसके बाद आओ फिफ्थ हाउस में, देखो सू, SU, सूर्य, सूर्य के पहले दो वर्ड, आप पहले सूर्य लिखो, स्पेलिंग SURYA, सूर्य पूरा स्पेलिंग लिखो, और SU इज इक्वल टू सूर्य, ठीक है। अभी सेवेंथ हाउस में आओ, वीनस, VENUS, शुक्र। हाँ शुक्र, वीनस का मतलब है शुक्र। जी उसके बाद टेंथ हाउस में आओ, सनी, SNI, सनी। सैटर्न, ऐसे वैसे उसका स्पेलिंग है सैटर्न, SATURN। SATURN, सैटर्न का अर्थ है शनि, ऐसे। उसके बाद है, देखो दूसरा वर्ड है जुपिटर, JU, JUPI, JUPTER, जुपिटर, ठीक गुरु। है। जुपिटर का मतलब है गुरु, उसके बाद है RA, राहु, उसके बाद है RA, राहु, जी मैडम, जी हाँ। उसके बाद है MA, MA का मतलब है मंगल, मंगल का शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म है MA, एम है। बराबर आ गए आपके सब ग्रह आ गए। जी, अब आपको आपको युति लिख लो, युति का मतलब क्या है? युति का मतलब ये हुआ कि ग्रह के साथ बैठे हुए सभी दूसरे ग्रह एक ही भाव में, जब चार ग्रह साथ में बैठे हो तो चारों को युति बोला जाता है। फिर प्रतियुति, तो ग्रह एक से, ग्रह से बराबर सब। मिनट, हेलो। हाँ हाँ जी, प्रतियुति को बोलो, रिपीट हाँ, करो ना एक बार। प्रतियुति का मतलब है ग्रह से बराबर सप्तम हाउस में बैठे हुए ग्रह। सप्तम, किसी भी ग्रह से, हाँ उसके सप्तम हाउस में बैठे हुए ग्रह से उसकी प्रतियुति होती है। अब मंगल, राहु, गुरु और शनि, चार की युति हुई, हाँ या ना? जी जी हाँ। अब चारों की प्रतियुति किससे हो रही है? कौन से ग्रह से सूर्य प्रतियुति कौन से ग्रह से हो रही है? सूर्य से ना मैडम, पांचवे स्थान में। ना, उसके सामने सातवें स्थान में कौन है? मंगल गुरु के सातवें स्थान में कौन है? सातवें स्थान में तो विनस है। अच्छा अरे मंगल से सातवें में, अच्छा मंगल से सातवें, सूर्य। कहाँ सूर्य है? मंगल से गिनो ना सातवां स्थान। हाँ, केतु और ये अपना मर्क्यूरी। हाँ, जो ग्रह उससे जो सातवें में बैठे हैं उसके साथ उसकी प्रतियुति मानी जाएगी। तो मंगल से सातवें में केतु और बुध है, शनि से भी सातवें में कौन है? मैंने पानी, शनि से सातवें में कौन केतु है? केतु और बुध, वही है कि हाँ वही है। केतु और गुरु बुध है। से, गुरु से सातवें में कौन है? देव, गुरु से सातवें भी हुई है, केतु और मंगल है। बस राहु से सातवें में सेम कौन है? है, वही सेम है, केतु और वही मंगल, सेम केतु है। बस आपको ऐसे और देखना मर्क्यूरी। है, ऐसे देखना है, जो भी ग्रह से जो दूसरा ग्रह सातवें में होगा ना उसके साथ उसकी प्रतियुति मानी जाएगी। क्लियर हुआ? जी यस अभी ये भूलना नहीं है दोबारा। जी हाँ, ये आप भूलोगे नहीं। जी
अब दृष्टि संबंध किसे कहोगे? हेलो हेलो हाँ बोलो, दृष्टि दृष्टि कहाँ जा रही है? देखो गुरु की दृष्टि कहाँ कहाँ जा रही है? गुरु की दृष्टि कितनी होती है? यीशु आवाज जीरो, यीशु बिल्कुल जीरो। देखो गुरु की दृष्टि कहाँ कहाँ होती है? सातवां घर में हुए ना, पांचवे, सातवें और नौवें घर में कहाँ कहाँ होती है कल्पेश जी? पांचवे। हाँ मैडम, ये सातवें और पांचवे, नौवे। सातवें और नौवे ग्रह में, हाँ तो देखो गुरु की दृष्टि पांचवे में कोई ग्रह है? पांच ताप में। हाँ गुरु से पांचवे में कोई ग्रह है? नहीं है ना, मून है ना, वो मून है पांचवे ना। में है, गिनो। नहीं है ना, नहीं है, नहीं है, नहीं सॉरी है, सॉरी, नहीं है, सातवें में है? नहीं है, सातवें में भी कोई ग्रह नहीं है? कौन सातवें में है, सातवें में है ना, सातवें में है, है? केतु और वो, मर्क्यूरी, हाँ बुध, तो फिर अब नौवे में है कोई? नहीं, वीनस है नहीं, नो, नहीं, नहीं है। वीनस दसवें में है। देखो बिना दसवें में, हाँ। अच्छा अब मंगल की कौन सी दृष्टि होती है? मंगल की कितनी दृष्टि होती मंगल है? बोलो जल्दी। तो फिक्स है, सातवीं तो फिक्स है, सेवन तो उसके अलावा फिक्स है, बोलो। सातवां चलो अभी स्क्रीन शेयरिंग आ गया है तो देखो। देखो अभी यहाँ समझो, अभी बोलो मुझे, आप लोग ही बोलो लग्न में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं? राहु और राहु जुपिटर बैठे, जुपिटर, राहु और जुपिटर, राहु और गुरु दो लग्न में बैठे हुए, बराबर। दूसरे भाव में कौन है? मून मून, चंद्र। मून, बराबर बोले आप। बस वही इंग्लिश वर्ड ही स्पेलिंग ही याद रखो, याद आ जाएगा। तीसरे में कौन बैठा है? सूर्य सूर्य। चौथे में कौन है है? ना, मर्क्यूरी एंड वीनस, मर्क्यूरी एंड मर्क्यूरी एंड वीनस, वेरी वीनस, गुड। पांचवे में कौन है? मर्क्यूरी मर्क्यूरी नहीं है, वो मंगल है, एम ए। वो थोड़ा दिख नहीं रहा है एम कौन ए है, क्या। हाँ मंगल। हाँ ये मंगल, क्रॉस नहीं दिख रहा हाँ वो है। इसलिए नहीं हाँ दिख रहा है, मंगल। और सातवें में कौन है? केतु केतु है, है, कुछ भी नहीं। हाँ हाँ सातवें में केतु, केतु। और दसवें में दसवें में अपना ये शनि, शनि। रिट्रोग्रेड मतलब वक्री होके बैठा है, अच्छा ठीक है। अच्छा अब आप वही चीज देखो, जी। लग्नेश कौन हुआ? ऋषम लग्न, लग्नेश कौन हुआ? जुपिटर है ना, रा शुक्र। शुक्र बोलो। लग्नेश कौन है, जो लग्न में कौन सी राशि है? लग्न में है ना, वृषभ राशि है। तो लग्नेश कौन, वृषभ राशि है, शुक्र, शुक्र है, शुक्र। अब शुक्र कहाँ जाके शुक्र, बैठा शुक्र है? शुक्र बैठा है इसमें, वीनस शुक्र मतलब वीनस। वीनस कहाँ पे है? चतुर्थ भाव में, चौथे में। चौथे भाव में। अच्छा अब आप देखो वही दूसरे से संबंध, आप लग्नेश का संबंध कहाँ कहाँ से देखोगे? 2, 6, 10, 11 और 12 कहाँ से देखोगे? दो छ दस 10, 11 ग्यारह और बारह 12। अब दूसरे भाव का मालिक कौन? चंद्र, बुध।
दूसरे में कर्क राशि है। अच्छा हाँ बराबर। सूर्य मालिक कौन? कर्क का चंद्र अरे मून। दूसरे का मालिक कौन? दूसरे दूसरे शुक्र। भाव का मालिक कौन? दूसरे का शुक्र है शुक्र मैडम। दूसरे में चंद्र तो बैठा है भाई, मालिक पूछ रही हूं मैं। दूसरे में राशि कौन सी है? हाँ तो बुध मिथुन। बोलो ना, फिर बुध क्यों नहीं बोल रहे हो? हाँ मिथुन का बुध। बुध तो बुध क्यों नहीं आया किसी के मुंह से? मिथुन राशि। राशि बोले तो फिर क्लिक हो गया। हाँ तो पर हाँ मालिक का मतलब हाँ राशि हाँ हुआ ना, दूसरे मालिक से क्यों क्लिक नहीं हो रहा है? हाँ। अब देखो दूसरे भाव में लग्नेश, मिथुन राशि बुध। अभी लग्नेश है शुक्र और दूसरे का मालिक है बुध, दोनों का संबंध हो रहा है। जी कैसे संबंध हो रहा है बताओ, वो भी बताना पड़ेगा। बुध और गुरु। बुध और गुरु? नहीं, बुध और शुक्र। लग्नेश मैंने पूछा ना। लग्नेश राहु और जुपिटर ना मैडम। लग्नेश राहु और जुपिटर नहीं होता है, लग्नेश दूसरे पहले का मालिक होता है। लग्नेश हाँ पहले का मालिक कौन है? ना राहु है ना जुपिटर है, मालिक पूछ रही हूं मैं। मंगल मंगल मंगल। मालिक पूछ शुक्र रही हूं, है। शुक्र है मालिक शुक्र है। मालिक। शुक्र सॉरी। आ शुक्र शुक्र सॉरी। अब पहले का मालिक और दूसरे का मालिक संबंध हो रहा है क्या? दोनों के मालिक बोल जाओ शुक्र पहले। और बुध है। शुक्र और बुध है। शुक्र शुक्र और और बुध, बुध। अब उसका संबंध कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है। शुक्र बुध दोनों कहाँ है? पहले भाव में और दूसरे भाव में। ये मालिक है अब बैठे कहाँ है? दोनों चीज अलग अलग होती है भैया। अच्छा। हाँ एक मिनट एक मिनट। ये बैठे हैं चौथे भाव में। हाँ तो संबंध हुआ कि नहीं हुआ? द्वितीय यस एक साथ है। हाँ द्वितीय हुआ। युति है ना, यस मैडम तो द्वितीय। संबंध हुआ कि नहीं? जी मैडम हुआ कि हुआ नहीं? संबंध हुआ हुआ हुआ। हाँ अब हाँ मेरे मेरे लिए मुश्किल हो गया संबंध, मुझे लगा नहीं हुआ तो कैसे नहीं हुआ। नहीं हुआ है। चलो बस ऐसे ही देखना है। अभी अभी दूसरा भाव लग्नेश का दूसरे से संबंध देखा, अभी आप लग्नेश का छठे से संबंध देखो। बोलो अभी छठा का मालिक कौन? छठे का मालिक बुध है। छठे का मालिक कन्या बुध। छठे का मालिक बुध है इसमें। अच्छा। सातवां तुला शुक्र। हाँ तो अभी शुक्र खुद ही लग्नेश हो गया ना, जी मैडम तो लग्नेश का छठे से संबंध हुआ कि नहीं हुआ? हो हुआ मैडम। हाँ गया। हाँ सीधा मालिक ही उसका है तो संबंध अपने आप हो गया। अब दसवें से दसवें संबंध देखो, दसवें का मालिक कौन? दसवें का मालिक कौन? ये कुंडली में दसवें में कौन सी राशि है? मालिक देखोगे तो राशि देखनी पड़ेगी। शनि शनि है। शनि है, शनि बैठा है, पर मालिक कौन होता है कुंभ का? शनि ही। शनि है तो अब सारा शनि है। सेम उसका लग्नेश से क्या संबंध हुआ? हाँ कुंडली में शनि का लग्नेश से क्या संबंध हुआ? संबंध हो रहा है?
समझा मैडम। देखो शनि कहाँ बैठा है? शनि बैठा है दसवें में। दसवें में अब लग्नेश कौन है? लग्नेश है मंगल। शुक्र? अरे नहीं, अपना शुक्र है। शुक्र है तो शुक्र कहाँ बैठा है? सप्तम भाव में है बराबर। हाँ तो शुक्र से शनि सप्तम में गया कि नहीं गया? चौथम है, सप्तम में है। तो फिर क्या संबंध हुआ? शुक्र से शनि सप्तम में, तो संबंध क्या हुआ? युति प्रतियुति हो गया। प्रतियुति हुई, प्रतियुति हुई, हो गया बराबर, हो गया। प्रमोद जी वो सामने है सप्तम भाव में, शुक्र से सातवें में शनि है। अब गिनो प्रमोद जी, शुक्र से सातवें में वीनस से लेके सातवां देखो, सातवां भाव आएगा। एक दूसरे से सप्तम में है ना? यस यस मैडम। देखो शनि से सूर्य शुक्र सप्तम में गया, शुक्र से शनि सप्तम में गया, गया कि नहीं गया? यस 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 गया, प्रतियुति हो गई। क्लियर हुआ प्रमोद जी? समझ में आया? यस मैडम। बस तो ऐसे ही दसवें भाव से भी संबंध हो गया लग्नेश का। अब ग्यारहवां भाव देखो, ग्यारहवां में कौन सी, कौन ग्यारह का मालिक? कौन ग्यारह का मालिक? शनि है। ग्यारहवां का मालिक कौन? नॉर्मल मत बोलो, ग्यारहवीं राशि नहीं पूछ रही हूं मैं। अच्छा ग्यारहवीं में गुरु, आपकी ये कुंडली में ग्यारहवें में कौन है? बारह नंबर है, मीन का मालिक गुरु। मीन का मालिक कौन? गुरु। बराबर, अब बराबर बोले। अब गुरु का लग्नेश से क्या संबंध है? लग्नेश है ना जुपिटर मंगल में बैठा है पहले भाव में, तो मतलब क्या हुआ कि बारहवा का मालिक राशि आ गई, ग्यारहवा का मालिक लग्न में ही चला गया ना? Yes. ग्यारहवा का मालिक लग्न में चला गया। ईशु आवाज धीरो कर, आवाज जरा धीरो कर। हेलो हेलो मैडम, ग्यारहवा का मालिक कहाँ जाकर बैठा है? लग्नेश में, लग्न में बैठ गया। तो लग्न ग्यारहवा का संबंध लग्नेश से हुआ कि नहीं हुआ? हुआ हुआ। आप अगर जूम में आज आए हैं तो ब्रह्मांड ज्योति से आपका संबंध हुआ कि नहीं हुआ? यस हो गया जी। बस तो आपको लगने से संबंध करना है, तो गुरु ग्यारहवा का मालिक खुद ही लग्न में जाकर बैठ गया, तो संबंध अपने आप हो गया ना? हाँ। अब बारहवें का मालिक देखो, इसमें बारहवें का मालिक कौन है? बारहवें का मालिक है मंगल। मंगल, अब मंगल का लग्न से संबंध हो रहा है? मंगल का लग्न से कोई संबंध नहीं, मंगल का संबंध हो रहा है पांचवें भाव में। नहीं हो रहा है ना? पांचवें भाव में मंगल है, मंगल पांचवें भाव में, मंगल का लग्न से संबंध है पांचवें है तो नहीं होगा। मंगल का लगने से कोई संबंध है? नहीं। नहीं है ना मैडम? नहीं है ना, देखो ना आप ही देखो, मंगल पे लग्नेश की दृष्टि है, युति है, दृष्टि है, नहीं है, युति भी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई संबंध नहीं हो रहा है। तो मंगल का एक ही आप, तो ये कुंडली में आपको क्या मिला, तो लग्नेश का बारहवें भाव से कोई संबंध नहीं है। बराबर, तो बारहवें मतलब हॉस्पिटल से रिलेटेड, ये डॉक्टर तो बनेगा लेकिन हॉस्पिटल से या सर्जरी से उतना रिलेटेड वो नहीं होगा। अगर वो नहीं है, वो सर्जन नहीं है, हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर से उसका काम नहीं है, तो ये क्या हो सकता है? एमडी हो सकता है ना? yeah.
ये सर्जन नहीं बनेगा लेकिन एमडी फिजिशियन जरूर बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ हो सकता है, हाँ, और ये है, आप ये पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा, ये खुद एक ये एमडी और किसकी है मैडम, फिजिशियन की कुंडली है। किसकी किसकी कुंडली है, पहली और दूसरी? ये अभी जो किया ना वो डॉक्टर नहीं है, वो फिजिशियन है, अच्छा और पहले किया वो सर्जन डॉक्टर, क्योंकि उसमें 12वां का संबंध बहुत क्लोज हुआ था ना। हाँ बता, वो इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, और इसका 12वें से संबंध नहीं हो रहा है, तो ये नॉर्मल एमडी है, फिजिशियन है, ये सर्जन नहीं है, अच्छा क्योंकि 12वें भाव से इसका संबंध नहीं हुआ है। ओके ओके, क्लियर हुई बात? स्मार्ट हुई? गया। यस मैडम ठीक है, अगले क्लास में हम इसमें ज्यादा जाएंगे, डीप में जाएंगे, दूसरी एक दो डॉक्टर की भी कुंडली लेंगे। आप लोगों के पास कोई कुंडली हो तो भी ले आना, किसी भी डॉक्टर की। आपको युति दृष्टि और ये सब पक्का हो जाएगा। अच्छा है, ये मेडिकल पढ़ते पढ़ते आपको युति दृष्टि सब पक्का हो जाएगा, मालिक युति दृष्टि। यस मैडम, थैंक यू। कुंडली कैसे देखनी है वो भी तो मालूम पड़ना चाहिए ना, है ना? यस यस जी मैडम, हाँ, ये फिर अच्छा हो निकल। रहा है, लेकिन अच्छा हो रहा है, हाँ, अच्छा ही हो रहा है, और मालूम ऐसे पड़ ही रहा है। हमको जाना है। और दो तीन कुंडली ऐसे करेंगे ना, तीन चार कुंडली करेंगे दो तीन क्लास में, तो अपने तो आप फिट हो आपको जाएगा पता चल दिमाग। जाएगा। हाँ, यस यस आपका सब बेस भी बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। जी यस मैडम। हाँ जी, मैडम आगे के ग्रह से क्या लगता है, कोरोना फैलेगा? मैंने तो बोला ही है आप सबको, ये 3-4 साल तक ये बंद नहीं होने वाला है। आपको मैंने बोला था जाएगा ना मैडम, पहले भी, पहले आप, बोले थे आप कि 2-3 साल तक हाँ, रहेगा, ये रहेगा ही लेकिन रहेगा, प्लूटो वर्गोत्तम जा रहा है, 3-4 साल तक रहेगा। आपको ये लग रहा था कि नहीं ये तो चला जाएगा राहु बदलने के बाद ही, लेकिन लग रहा है, जी हाँ लग रहा है। मैंने तब भी बोला था कि ये कुछ नहीं है, राहु की वजह से है ही नहीं, उल्टा पहले से ज्यादा बड़ा है, मालूम है? हाँ, हेलो, हेलो, सुनाई दे रहा है? मेरा आवाज आ रहा है अभी आपको? हाँ अभी आ गया, अभी आ गया। हाँ 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 ये तो कुछ नहीं है, 3-4 साल तक रहने वाला है, आप कोई भी ऐसे भ्रम में मत रहना, बस ये वर्गोत्तम प्लूटो के कारण हुआ है और इतनी आसानी से नहीं जाने वाला। हेलो हेलो, हेलो हाँ जी बोलो। जी मैडम, हाँ, ये वैक्सीन आने के बाद में भी ऐसे रहेगा 3-4 साल? वैक्सीन ही आने में दिक्कत है और कुछ नहीं है, वैक्सीन आए, वैक्सीन हम पे असर करे, ये मेरे को नहीं लग रहा 3-4 साल में भी ये चीज हो पाएगी। अच्छा मैडम, लेकिन वैक्सीन इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी ना? इंटेंसिटी तो अभी भी कम हो ही गई है, अब देखो डेथ रेट 1% कम आ आ गया गया है, पहले। डेथ रेट यस वन यस परसेंट आ गया है, लेकिन नंबर ऑफ पर्सन बढ़ रहे हैं ना, पेशेंट बढ़ रहे हैं। पहले तो क्या था कि रोज के 3,000 होते थे, तो उसमें से आपको 1% 30 लोग मरते थे, अभी तो हो गया रोज के लाख हो रहे हैं, तो मरने के रेट भी बढ़ गया ना, रोज का 1,000 हो गया, अब वो लाख का 2 लाख हो गया। 1% 200 हो जाएगा, बराबर हाँ, 2 तो हजार हो वन जाएगा। आपके परसेंट तो सीधे 2 लाख हो गए, तो रोज के 2,000 डेथ आ गई, तो ये तो कोई छोटी बात तो है नहीं। परसेंटेज चाहे वो वन ही है ना, मना नहीं है, परसेंटेज कम है, लेकिन पेशेंट बढ़ेंगे ज्यादा, जितने जितने समय जाएगा उतने उतने पेशेंट और ज्यादा बढ़ते जाएंगे। आज अगर 2 लाख पेशेंट हो रहे हैं ना, तो 2 महीने बाद तो सीधे पेशेंट 4 लाख ही होना है, जब तक दवा नहीं ढूंढी जाएगी ना, ये पेशेंट का रेशियो बढ़ता ही जाएगा। और अभी वो जो ये आ रही है, ठंडी का मौसम आ रहा है बोल रहे हैं, और ज्यादा होएगा।
ठंडी का मौसम अभी वो हमारे यहाँ तो शायद 2 महीना ही आएगा, उसके बाद वापस गर्मी आ जाएगी। पर हाँ आपने तो गर्मी में भी उतना ही हुआ है, उतना ही हुआ है, उतना ही हुआ है, गर्मी करेक्ट में भी कहीं भी करेक्ट। आपको कमी दिखी नहीं है? यस नहीं मैडम। नहीं दिखी, नहीं, हाँ मौसम का कोई फर्क नहीं पड़ा, हाँ यही बात है, इसको मौसम मौसम का पे कोई कोई फर्क फर्क ही नहीं नहीं पड़ पड़ रहा है। रहा। तो हम आपको तो यही सोचना है कि दवाई असर करे, ऐसा माहौल हो, तो वो माहौल ही आते आते 3 4 साल लग जाए। प्लूटो जब तक वर्गोत्तम है ये मौका ही नहीं आने देगा, क्योंकि प्लूटो का मतलब ही मास डेथ है, समझ लो, प्लूटो का मतलब ही मास डेथ। अभी वो दिल्ली में बोल दिया ना कि शमशान भूमि कम हो रही है हो और ही बढ़ानी रहा है, हो पड़ेगी। ही रहा है, सब जगह हो रहा है, खाली दिल्ली में नहीं। आप देखोगे, आप मानो, अभी भी कल ही आज एक डेथ हुआ है, पालनपुर से उसको अहमदाबाद ले गए, अहमदाबाद से गांधीनगर ले गए, 4 घंटे तक अहमदाबाद और गांधीनगर के हॉस्पिटल में वो घूमता रहा।